in today's discussion, we will continue with the two dimensional arrays. इससे पहले हमने वन डायमेंशनल एरेज किया था, जिसमें हमने आपको बोला था कि वन डायमेंशनल एरेज में ओनली एंड ओनली वन सबस्क्रिप्ट होता है, सिर्फ एक ही स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होता है, वो चाहे रो के लिए यूज़ कर लो चाहे वो कॉलम्स के लिए यूज़ कर लो। लेकिन जो टू डायमेंशनल एरेज हैं, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक डबल सबस्क्रिप्टेड एरे है। दिस इज ए डबल सबस्क्रिप्टेड एरेज। उसका क्या मतलब है कि इसमें हम टू पेयर्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, टू पेयर्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये दो स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट, जो टू डायमेंशनल एरे है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स। इसमें नंबर ऑफ रोज भी होती हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी होते हैं। नेक्स्ट इज कि जो टू डायमेंशनल एरे है, दैट इज स्टोर्ड इन रो मेजर ऑर्डर, ये रो मेजर ऑर्डर में ही स्टोर हो सकती है। रो मेजर ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले कोई आप एरेज मान लो ये हमारे पास कोई एरे है, ये टू डायमेंशनल एरेज है। जो टू डायमेंशनल एरेज होती है, जिसका मैंने आपको बताया कि इसका एक नाम क्या है, मैट्रिक्स भी इसी को ही बोल देते हैं, और जो टेबल है वो भी कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम है, तो उसको भी हम टू डायमेंशनल एरेज की ही कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। सपोज ये रो है 0, 1, 2, 3, और इस तरफ ये कॉलम्स हैं 0, 1, 2, 3, तो ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने की लग रही है मुझे, 4x4 की एक मैट्रिक्स है। टोटल हाउ मैनी एलिमेंट्स, 16 एलिमेंट्स। तो रो मेजर ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, देखो टोटल 16 एलिमेंट्स ना, तो 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड से 15। तो ये 15 इसके अंदर टोटल 16 हो गए, 0 से लेके 15 तक इसमें टोटल नंबर ऑफ 16 सेल्स हो गए। तो ये जो फर्स्ट रो है, जो फर्स्ट रो है वो यहां तक स्टोर होगी 0 से लेके 3 तक, दिस इज फॉर दिस रो। अगली जो रो स्टोर होगी वो 4, 5, 6, 7 अगले 4 एलिमेंट्स, तो हम इसको बोल देंगे कि ये रो सेकंड स्टोर होगी। सेम वे थर्ड रो 8, 9, 10, 11 यहां तक क्या आएगी, थर्ड रो। और जो लास्ट रो है वो बाकी जो एलिमेंट्स बच गए, ये 4 सेल्स बच के वहां पे स्टोर होगी। सो इसको हम बोल सकते हैं, से फॉर एग्जांपल दिस इज री रो 0, अगर हम यहां पे इनको क्या ले रहे हैं, रो। नेक्स्ट रो 2, ये रो 3 हो गई, एंड दिस इज 0, सॉरी ये रो 1 आ गई हमारे पास, ये 0, 2 आ गई, क्योंकि हम इंडेक्स 0 से शुरू कर रहे हैं, और ये क्या हो गई, रो 3। सो रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, इस चीज को हम बोलते हैं रो मेजर ऑर्डर। ओके, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन अगर हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन बतानी हो, तो रिप्रेजेंटेशन को बताने के लिए हम एक मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसके लिए वो ऐसे स्टोर होगा कि जैसे मान लो
ये मेरे पास कोई एरे है, इसका नाम मान लो कि ए इस एरे का नाम है, तो ये वाला एलिमेंट कौन सा होगा, 00 01 02 03, दिस इज 10 11 12 13 20 21 22 and 23, and says for example 30 31 32 and 33. So this is the matrix of 4 rows and 4 columns. So this is the representation of their addresses in the memory. Now अब हमने टू डायमेंशनल अरेज को डिफाइन भी कर दिया और उसकी रिप्रेजेंटेशन भी दे दी. नेक्स्ट जो आपने चीज आपको पता होनी चाहिए वह है कि हाउ टू डिक्लेयर अ टू डायमेंशनल अरे. सो जो टू डायमेंशनल अरेज हैं इनको डिक्लेयर करने के बाद जो सिंटेक्स है वो सेम वही है जो वन डायमेंशनल अरेज का है. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, स्टोरेज क्लास, फिर हम लिखते हैं डेटा टाइप, फिर हम लिखते हैं एरे का नाम जो हमने देना है, और उसके बाद फर्स्ट जो सबस्क्रिप्ट है वो होता है टोटल नंबर ऑफ रोज, और जो सेकंड सबस्क्रिप्टेड होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स देन सेमी कॉलम. ये टू डायमेंशनल एरेज को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स है. स्टोरेज क्लास सेम वही, इट कैन बी ऑटो, इट कैन बी एक्सटर्न और इट कैन बी स्टैटिक. डेटा टाइप कैन बी इंटीजर, कैन बी फ्लोट, कैन बी डबल, एनी टाइप. एरे नेम मींस यूजर्स चॉइस, कोई भी यूजर अपने हिसाब से जो भी देना चाहता है लेकिन वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए. एंड दीज आर रोज एंड दीज आर द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स दैट यू वांट. सेम यहाँ पे भी होता है कि जो इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर इन टू डायमेंशनल एरेज ऑलवेज स्टार्ट्स विद जीरो. जैसे हमने वन डायमेंशनल में बताया था वैसे ही टू डायमेंशनल में भी जो इंडेक्स है वो जीरो से ही शुरू होगा. तो क्या हुआ इसका मतलब कि मान लो कि मेरे पास ये कोई टू डायमेंशनल एरेज है ओके. तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज हैं. कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 कॉलम्स हैं. और मान लो इस एरेज का नाम क्या है, ए. तो ए ऑफ 00 का मतलब क्या हुआ, दिस इज फॉर रो एंड दिस इज फॉर कॉलम. तो दिस इज 0 1 2 3 0 1 2. तो ए ऑफ 00 का मतलब क्या हुआ, कौन सा सेल, ये वाला सेल. वैसे ही सपोज अगर मैंने लिखा है ए 2 3, 2 3 का मतलब क्या हुआ, ये नंबर रो और ये नंबर कॉलम. तो ये नंबर रो ये है और ये वाला कॉलम ये है, तो ये क्या हो गया, ये वाली इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, 2 नंबर एंड 3rd इंडेक्स. सेम अगर मैं जो इसका देखना हो कि इसका क्या है, तो ए 1 इंडेक्स रो का और 1 ही कॉलम का. सो इससे जो है हमें इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं, दिस इज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेल एड्रेसेस. तो इनको हम सेल एड्रेसेस भी बोल सकते हैं. और नेक्स्ट जो हमारे लिए ज़रूरी है वो ये है कि हम टू डायमेंशनल एरेज को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं. मतलब जिस वक्त हमने किसी भी
टू डायमेंशनल एरेस को डिक्लेयर किया है, अगर उसी वक्त हमने कोई वैल्यूज देनी है तो हम कैसे दे सकते हैं। सेम डेटा टाइप दिया मैंने, मान लो एरे का नाम ए डबल आर, साइज सपोज दिया मैंने टू नंबर ऑफ रोज और थ्री नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स, टू इंटू थ्री, सिक्स एलिमेंट्स, तो हम इसको दे सकते हैं, जैसे सिक्स एलिमेंट्स दे दिए मैंने, 1, 5, 15, 25, 35 और सपोज 45, तो ये सिक्स एलिमेंट्स इसके अंदर चलेंगे। या ऐसे दे सकते हैं कर्ली ब्रेस, उसके बाद अगेन कर्ली ब्रेस, तो यहाँ पे फर्स्ट रो, जैसे फर्स्ट रो कितनी है 1, 5, 15, कर्ली ब्रेस क्लोज, कॉमा, फिर सेकंड 25, 35, 45 क्लोज, और उसके बाद ये इसके लिए क्लोज कर दिया और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया। तो दिस इज रोज, सो दिस रिप्रेजेंट रो एंड दिस रिप्रेजेंट्स कॉलम्स। So this is the how we can initialize the two dimensional arrays. Next जो अब हम करेंगे वो और भी जो other methods हैं that we can make use to declare a variable, declare some valid initializations. तो यहाँ पर हम लिखते हैं some valid initializations. तो देखो कौन कौन सी, डेटा टाइप मान लो क्या आ गया फ्लोट, एरे नेम ए, दिस इज टू नंबर ऑफ रोज, टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे हमने बताया आपको टोटल फोर एलिमेंट्स, तो 5.7, 4.5 मान लो, 17.5, 7.9, ये वैलिड डिक्लेरेशन है। या मैं बोल दूं इंट, कोई ए मैंने फिर एरेज ले ली टू और टू, फिर इसका साइज क्या ले लिया टोटल फोर, एलिमेंट्स क्या ले लिए मान लो, मान लो 5, 6 एंड 7, ओनली थ्री एलिमेंट्स, तो यहाँ पे जो एलिमेंट नहीं लिया है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज किससे, जीरो से। जैसे सपोज ये देखो 0, 1, 0, 1, टोटल फोर एलिमेंट्स, ये 5, ये 6, ये फर्स्ट रो होगी, ये आ गया 7, लेकिन अगला एलिमेंट हमने नहीं दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अगर कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी दिए हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बड़ी यूज़ करते हैं और कंफ्यूजिंग होती है वो ये है कि इसमें जो आप रो का साइज है उसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, दिस इज आई कैन से इट एज अ ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, इसको हम मैं यूज़ भी कर सकता हूँ या नहीं भी यूज़ करता, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, 10 सपोज 2 सपोज 5, ये टोटल 4 एलिमेंट्स अगर मैंने डाले तो यहाँ पे वो उसकी वैल्यू क्या कर देगा, 2। अगर यहाँ पे मैं 6 एलिमेंट्स डालूँगा तो इसकी रो का साइज वो कितना कर देगा, 3। तो ये वाला जो है फर्स्ट वो क्या है, ऑप्शनल है। सेम वे सम इनवैलिड इनिशियलाइजेशंस, जो मोस्टली एरर्स देती हैं दोज आर सम इनवैलिड इनिशियलाइजेशंस। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं इंट एरे 2, 2, टू नंबर ऑफ रोज, टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और सपोज वैल्यू मैंने दे दी 5, 15, 25, 35, 45, सपोज ऐसे मैंने कोई एलिमेंट्स दे दिए, तो देखो टोटल 4 एलिमेंट्स थे, पर ये वाला एलिमेंट क्या है, एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ये भी एक एरर देगा, सो दिस इज नॉट अलाउड। उसके बाद सपोज मैं देता हूँ इंट, कोई मैंने एरे का साइज दे दिया, मान लो यहाँ पे मैंने रो का साइज दे दिया लेकिन कॉलम का साइज मैंने नहीं दिया, और यहाँ पे मैंने वैल्यू भी डाल दी, मान लो 4, 44, 54, 64, ऐसे कुछ वैल्यूज भी डाल दी, ये भी क्या है, एक एरर है। क्यों एरर है, कि ये जो कॉलम है, कॉलम का साइज जो है वो उसको हम खाली नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉलम साइज
should not be blank. कॉलम का साइज जो है वो हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. दो, हम जो रो का साइज है उसको हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं. सो रो साइज जो है दैट कैन बी लेफ्ट एम्प्टी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन कॉलम साइज जो है वो हमें स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा. सेम वे अगर मैं कोई और इनिशियलाइजेशन लूँ, इंट, सपोज ये एरे का नाम लिया मैंने और यहाँ पे मैंने दोनों ही क्या कर दिए, दोनों ही खाली छोड़ दिए और इसके अंदर सपोज मैंने कुछ वैल्यूज डाल दी, तो ये भी क्या है, एक इनवैलिड इनिशियलाइजेशन है. क्यों है इनिशियलाइज्ड? क्योंकि इसमें एरर क्या है कि रो एंड कॉलम साइज, मींस बोथ रो एंड कॉलम साइज इज नॉट स्पेसिफाइड. यहाँ पे हमने ना ही रो साइज स्पेसिफाई किया और ना ही कॉलम साइज स्पेसिफाई किया है. तो जैसे मैंने आपको बताया भी कि चॉइस क्या है, कि ओनली रो साइज जो है कैन बी लेफ्ट ब्लैंक, इसको आप खाली छोड़ सकते हो, लेकिन नॉट द कॉलम साइज. आप कॉलम साइज को है वो आप खाली नहीं छोड़ सकते. सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ टू डायमेंशनल एरेज. थैंक्स फॉर वॉचिंग.